गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत जोश और शिद्दत के साथ अपने मॉर्निंग के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज आपसे बात करने आया हूं तीन बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट्स के लिए, ऐसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इमीडिएट और अर्जेंट एक्शन लें। सबसे पहली अनाउंसमेंट वो ये है कि 30 सितंबर तक आप ये इंश्योर करें कि आपका KYC अपलोडेड है और अप्रूव्ड है मोदी के सिस्टम में। यदि 30 सितंबर तक आपका KYC अप्रूव नहीं होगा तो 1st of October ऑनवर्ड्स आप बिल नहीं कर पाएंगे। सो आप अपने लिए, अपने डाउनलाइंस के लिए इस चीज को प्रमोट करें कि 30th सितंबर तक KYC को अपलोड और अप्रूव करवा लें। सेकेंड अनाउंसमेंट, हम सब ये जानते हैं कि जब हम मोदी केयर में काम कर रहे हैं तो मोदी केयर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना है। 1st दिसंबर 2019 के बाद यदि आप मोदी केयर में ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम पर हमने आपको एक SMS भेजा था जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए एक लिंक था, और अभी रिसेंटली भी हमने वो SMS दोबारा आपको भेजा है। यदि आपने वो टर्म्स एंड कंडीशंस अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी हैं, तो इमीडिएटली मोदी केयर की टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कि शर्तें इसको एक्सेप्ट करें। अगर आपको वो SMS नहीं मिल रहा, ट्रैक नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने इमीडिएट अपलाइन से बात करें, वो आपको वो SMS दोबारा भेज सकते हैं, या आप हमारे आजादी कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपको वो SMS दोबारा भेज देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि जो आपके इमीडिएट डाउनलाइंस हैं वो भी अपनी शर्तों को, मोदी केयर की शर्तों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें, तो आप modikare.com में लॉगिन करें और फ्रंटलाइन एनरोलमेंट रिपोर्ट में जाकर अपने इमीडिएट डाउनलाइन कंसल्टेंट को SMS रीसेंड कर सकते हैं। सो आप खुद इंश्योर करें कि आपका KYC अप्रूव्ड हो, आपने मोदी केयर की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया हो, और आप अपने टीम के हर एक मेंबर के लिए दो चीजों के ऊपर ध्यान दें और ये देखें कि उन्होंने भी अपना KYC और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया। कौन सी डेट है आखिरी? 30 सितंबर 2021। यदि 1 अक्टूबर को इन दोनों में से कोई भी एक चीज पेंडिंग होगी तो आप या आपके डाउनलाइंस जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी चीज पेंडिंग रखी है वो बिल नहीं कर पाएंगे। तो इमीडिएट और अर्जेंट एक्शन इसके ऊपर करिए, अपनी टीम में प्रमोट करिए और 30th सितंबर तक इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करिए। एंड द थर्ड एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। यदि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया हुआ तो चाहे आपने पहले भी पैन कार्ड सबमिट किया है लेकिन 1 अक्टूबर से वो पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। चाहे वो अभी तक आपने ऑलरेडी सबमिट कर रखा था, अप्रूव हो रखा था, अभी तक आपका 5% TDSC कट रहा था, लेकिन अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30th सितंबर तक लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर से इनवैलिड माना जाएगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि जो आपका बोनस बनेगा उसके ऊपर 20% TDS कट जाएगा, 20% TDS कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि सितंबर का जो बोनस आपको अक्टूबर में मिलता है उसमें 20% TDS कट कर आएगा यदि 30th सितंबर तक आपने अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया। सो अगेन आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाए, लिंक हमने यहां पर दे रखा है आपकी सहूलियत के लिए, और यदि अभी तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो इमीडिएटली करें। लास्ट डेट इज 30th सितंबर, 1 अक्टूबर के बाद से आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। सो ये तीन अनाउंसमेंट्स एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं जिसकी आखिरी तारीख है 30th सितंबर। पहला, KYC डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना और ये इंश्योर करना कि वो अप्रूव्ड हो। सेकंड, मोदी केयर की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना। एंड थर्ड, अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना। तो 30th सितंबर इज द लास्ट डेट,
आप अपने लिए भी इंश्योर करें और अपने हर टीम मेंबर के लिए इंश्योर करें, ताकि हम सब बहुत ही तेजी से मोदीगर के साथ अपनी आजादी को अचीव कर सकें। विशिंग यू बेस्ट ऑफ आजादी, गुड मोदी के मॉर्निंग, थैंक यू सो मच।